अरे नहीं 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 सब जोड़ बोल रहा था भारत का टूट रहा था तो वो जोड़ रहा कौन सी जगह टूट रहा था भारत यार भारत का टूट गया छोटा इस तरह का लोग गलत है ये जो एरिया एरिया का रहता नहीं छोटा तहसीला में गांव में ये परेशान करे किसान जनता को तो और नेता तो एक नंबर वाले इतना दुर्भाव करते हैं जो एसटी के लोग होते हैं ना तो उतनी दूर बिठाते ग्यारह साहब 100% ये तो बहुत चिल्लाते हैं। हाँ ये तो ये क्या है रोटी खाओगे चिल्लाते हैं क्या रणनीति लगती है आपको। अरे 400 बार 4 तारीख को एडमिशन हो जाएगी। अच्छा आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। इस वक्त पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है और जगह जगह पर ग्रामीण इलाकों में भी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा सरगर्मी की ओर है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं क्या रुझान इन लोगों का है क्या मूड है। लोकसभा चुनाव नजदीक है दोनों पार्टियों ने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। रोडमल नागर को मानते हैं हम तो रोडमल नागर को। हाँ क्या खूबियां देखते हैं आप? ये खूबियां देखते हैं मैं कॉलोनी दी लाडली बहना का पैसा डालिया कालो और उसके बाद में जो भी योजना आती है हमको देते हैं वो। मोदी जी को देखते हैं रोडमल नागर जी को? मोदी जी को देखते हैं मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं उनको। अच्छा हाँ रोडमल जी से कैसे खुश है या नाराज? खुश से अरे खुश से हाँ बहुत अच्छा करता है वो। अच्छा हाँ खुश से कई जगह राजगढ़ जिले में रोडमल नागर जी को लेकर नाराज दिख रहे हैं विरोध किया जा रहा है उनको। अरे वो तो दूसरी पार्टी वाले नाराज होते हैं। अच्छा हाँ खाने वाले लोग नाराज होते हैं उनसे वाजिब बात वाले थोड़ी नाराज होते हैं वो तो काम करता है ना काम करता है। क्या लगता है आपको दोनों पार्टियों में से कौन सा कैंडिडेट सही है? क्या मोदी 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 जी क्या मोदी जी के कौन से विकास आपको? हमें ये विकास के हम जीवन में मकान नहीं बना सकते आवास मिल गया हमें दो एक की जगह दो। अच्छा हम जीवन में नहीं सोच सकता कि अपन मकान में रह जाओ आवास योजना को लेकर। हाँ। और रोडमल जी को वोट देंगे या मोदी जी को देखकर वोट देंगे? मोदी जी को वोट करेंगे मोदी जी को वोट करेंगे। जिनको राजगढ़ जिले का गढ़ कहा जाता है वो दिग्विजय सिंह मैदान में है पूर्व मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे क्या लगता है आपको क्या मोदी लगेगा? हाँ। राम मंदिर बनाया मोदी जी ने हाँ मोदी जी ने राम मंदिर बनाया राम मंदिर से कुछ अरे बहुत अच्छे आनंद है कोई दिक्कत अच्छा, नहीं जनंदे के यहाँ भेजा उसका मंदिर बनिया अच्छा, और फिर उससे कुछ नहीं देगा तो क्या नाराजगी देगा? अच्छा कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है और कैसे कांग्रेस को वोट दे दे सर क्या विकास हुआ था? वही नहीं रही 20 साल पहले मोदी जी पहले कोई विकास हो तो बताइए आप। रोड में इतने इतने गड्ढे थे रोड नहीं थे हमारे यहाँ ये जो तो कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम जो योजना आई है वो सांसद मोदी की देन है मोदी जी की देन है और आज हमारे क्षेत्र में सूखा था और आज पानी ही पानी और किसान खुशहाल है और हम मोदी जी के साथ है और रोडमल जी के साथ नहर योजना यहाँ तक पहुँची है। हाँ मोदी साहब लाल जालू खूब बर्रा आज 2000 रुपया है ना मोदी जी का हर महीने। अच्छा लाडली बहना का वो कहीं सरकार लाना दिन लाना जब मोदी बिल्कुल लाडली बहने के धड़ाधड़ आ रहे हैं किसान सम्मान निधि आ रही है मुख्यमंत्री जी की आ रही है पीएम की आ रही है। अरे मोदी जी ने तो जहाँ से जन्म लिया वहाँ से मरने तक का पैसा दिया और किसको वोट देंगे आप बताइए मोदी जी को नहीं देंगे? चार तारीख को मोदी जी जिंदाबाद रोडमल नागर जी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे पप्पू की बात मत करो पहले राहुल गांधी बोल रहा है कि 8000 रुपए दूंगा। अरे नहीं 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 सब जोड़ बोल रहा था भारत का टूट रहा था तो वो जोड़ रहा कौन सी जगह टूट रहा था भारत यार भारत का टूट गया भारत कौन सी जगह टूटा था तो उनने जोड़ा आप ये बताइए कि वहाँ जोड़ा कौन सी जगह टूटा था? अरे इनकी नीतियाँ टूटी कांग्रेस वालों की नीतियाँ खराब है। अंग्रेज का इडली साया वो तो इडली का साला। आप श्रीमान ये बताइए जब दिग्विजय सिंह ये कह सकता है दिग्विजय सिंह जी सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं
कि गौ माता का मांस खाने में कोई बुराई नहीं। तो हमारी माता जो गौ माता है हम उसकी पूजा करते, उसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है और उसका मांस वो खिला रहे। तो कैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, तो भाजपा वाले फेक वीडियो चला रहे हैं। नहीं नहीं गलत बात, वीडियो चला उसका, न्यूज पे चला सर। दिग्विजय सिंह जी सब एक ड्रेस घुमा लेंगे राघुगढ़ में, यार राजगढ़ जिला में तो बहुत वोट ले पावे। राजगढ़ की फेक मैं जब मुख्यमंत्री हुआ करता था, पांच फेक्टर ले जाने लगा मिलियो तो माने। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जब यहाँ राजगढ़ के नाम से फैक्ट्री आई सब राघुगढ़ लेकर गए, बिल्कुल राघुगढ़ लेकर गए। हम उनके साथ नहीं है, हम मोदी जी के साथ है और रोणमल जी के साथ है। मोदी जी जिंदाबाद। 24,000 में टीवी लगाई, मोदी जी से खुश है आप? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश। क्या लगता है आपको भाजपा 400 पार का वादा कर रही है? श्रीमान ये बताइए 1947 के बाद आज तक जो जिस इन्वेट भारत में हुआ है वो कब हुआ था? कांग्रेस की सरकार नहीं रही क्या? ये बताइए जिस इन्वेट मोदी जी के समय में हुआ, भारत मंडपम जो भवन बना वो उनके सानिध्य में बना, नई संसद भवन जो बनाई है उनके सानिध्य में बनाई, अंग्रेजों का उन्होंने पूरा नामो निशान खत्म किया है। हम मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेंगे। सिर्फ छोटा हिस्से का लोग गलत है, ये जो एरिया का रहता नहीं छोटा तहसीला में गाँव में, ये परेशान करे किसान जनता को। और नेता तो एक नंबर है, मोदी जी पार्टी एक नंबर है, तो भाजपा वाले काम नहीं करवाते क्या? अरे ये खा जाते हैं छोटे बड़े अधिकारी वो लोग, तहसील में कोर्ट में गयी में। पालतू 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 जो पालतू था नहीं वो खा रहे थे कांग्रेस वाले से। जो मोदी जी की गारंटी है क्या लगता आपको? बिल्कुल 100% उनकी गारंटी और गारंटी रहेगी। उन्होंने उन्होंने सारे देशवासियों को उनका परिवार माना है और वो मानकर वही काम कर रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। हम 100% उनसे खुश है और उनके साथ रहेंगे। किसान सम्मान निधि मिलती है? बिल्कुल मिलती है सर, मेरे 8,000 आते हैं। किसान नाराज है मोदी जी से? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। कोई नाराज नहीं है सर, कोई नाराज नहीं है, ये सब झूठ बात है, कोई नाराज नहीं किसान। 10 सालों राज करेगा मोदी जी। अच्छा हाँ, रोड वाल जी को ऐसे जीता के लेके आएंगे कि एसटी के वोट सारे मोदी जी की तरफ हो गए, इसलिए जीत रहे हैं। समझ गए? एसटी के वोट हो गए। पहले कांग्रेस को जाता था, कांग्रेस जीतती थी, और कांग्रेस ने जब इनने दुर्व्यवहार किया तो इधर हो गए मोदी जी की तरफ, मोदी जी जीतेंगे। सुपड़ा साहब लगता है? सुपड़ा साहब क्या बोले? अगली बार मुक्त भारत, वो कमलनाथ जी नहीं थे, नकुला जी थे विधानसभा का चुनाव होते बाद लोकसभा था, कमलनाथ जी था। कांग्रेस मुक्त का जो हाँ राजस्थान में पूर्ण होगा, हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कई भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस वाले इतना दुर्भाव करते हैं, जो एसटी के लोग होते हैं ना तो उतनी दूर बिठाते हैं, और ये मोदी जी वाले लोग है ना, मोदी की पार्टी हमें पास में बिठाती है एसटी वाले को, और ये इतने विभिन्न लोग है ये। अच्छा हाँ, मंदिर में नहीं आने देते हमें एसटी वाले, कांग्रेस तो वाले। आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता कितने उत्सुकता में है, और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता है। क्या लगता है आपको राजगढ़ जिले में कौन होना चाहिए? दिग्यागा साहब 100%, ये तो बहुत चिल्लाते हैं। हाँ ये तो यह क्या है, रोटी खाओगे चिल्लाते हैं। क्या रणनीति लगती है आपको? अरे 400 पार 4 तारीख को एडमिशन हो जाएगी। अच्छा आरोप लगा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने उद्योग के सारे जो भी संसाधन थे वो राघुगढ़ में लेकर गए। राघुगढ़ में कैसे ले गए? आपने देखा होगा ना दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल कैसा रहा है, क्या क्या विकास हुआ? बहुत बढ़िया रहा। अरे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था, अभी तभी जाकर राजगढ़ का नाम चेता है। अच्छा राजगढ़ कौन पहचानता था? दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है राजगढ़, गढ़ है उनका, गढ़ फिर गढ़। अच्छा गढ़ रहेगा। क्या लगता है किन रणनीतियों को लेकर क्या विकास के मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के? सभी विकास होगा। ये तालाब है, ये सभी तालाब वगैरह सभी उनकी कर्म आते जो सिलना सुनी नहीं किया था, तो ये ना क्या कर दी, कर्जे माफी की थी उन्होंने, इन्होंने रोकी बीजेपी वालों ने। अभी 15 महीने की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, क्या इससे किसानों को लाभ हुआ था कांग्रेस की जो सरकार आई थी? 15 अरे होता 15 महीने में होता, पर जो बेचारा बिकी तो गए कांग्रेस वाले साले सिंधे के साथ में। यह कितनी बार आए रोणमल जी ना का? अरे वो पहले आए तो चुनाव हुआ, जब से नहीं आए यहाँ, जब से नहीं आए। खिलचीपुर विधानसभा के ग्रामीण जनों की यह रुझान है, आप देखते रहे रियल राजगढ़ टीवी।